नमस्कार, हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो आज एक रेंज बाउंड कारोबार देखने को मिला, यानी कि एक दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। लंबा वीकेंड है, 3 दिन की छुट्टी में का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के पर्व पर कल शेयर बाजार बंद रहेगा। तो हम आज ही अपने दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। तो कल बाजार बंद रहेगा, तो उससे पहले मार्केट्स में आप देखेंगे थोड़ा सा हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि ग्लोबल संकेत अच्छे हैं। कल जेरम पॉवेल साहब, जो कि फेड के चेयरमैन हैं, उनकी टेस्टिमनी हुई थी, यानी कि यूएस की जो संसद है, जो कांग्रेस है, उसके सामने उनका बयान आया था। और उस बयान के बाद यूएस के मार्केट्स में दमदार तेजी देखने को मिली। तेजी इसके लिए देखने को मिली क्योंकि उन्होंने कहा कि फेड चाहता है कि ब्याज दरों में कटौती हो, इस साल कटौती होगी भी, लेकिन टाइमिंग को लेकर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी भी महंगाई का जो डर है वो बरकरार है। 2% का महंगाई का लक्ष्य है वो पूरा नहीं हुआ है, और जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक शायद फेड की ओर से कटौती ना आती हो दिखे। लेकिन हाँ, अब पीक आउट हो चुकी हैं ब्याज दरें, यहां से और बढ़ेंगी नहीं, और कटौती के लिए फेड तैयार है, केवल सही समय का इंतजार कर रहा है। तो उस लिहाज से मार्केट ने इस चीज को राहत के तौर पे देखा है। और यूएस में जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो भी ऊपर गई है, नीचे गई है, जिस वजह से मार्केट ने एक राहत की बात ली है। आज हमारी बात करें तो कल हम रिकॉर्ड हाईस पे बंद हुए थे। 22,474 का लेवल था जहां पे हम कल बंद हुए थे। आज हमने 22,500 के ऊपर शुरुआत करी, 22,505 का लेवल था, और 22,523 का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर आज इंडियन मार्केट ने छुआ है, निफ्टी ने छुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, नीचे में 22,430 तक भी हम गए, तो 70 अंक वो हो गए और ऊपर में 23 अंक, यानी कि एक 93 अंकों का दायरा है, एक छोटी रेंज है जिसके बीच में आज कारोबार देखने को मिल रहा है। अमूमन ऐसा हम देखने को मिलता भी है जब लंबा वीकेंड होता है, यानी कि 3 दिन की छुट्टी होती है, तो वॉल्यूम्स मार्केट में कम हो जाते हैं। एक दायरे में ट्रेड होना एक आम सी बात है, और वैसा ही कुछ रुझान आज भी मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। तो लंबे वीकेंड से पहले कैसे आपको रणनीति तैयार करनी है, जो रेंज बाउंड मार्केट है उसमें कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इस पर तो बातचीत करेंगे। साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें खबरों के चलते इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, उन पर भी बातचीत करेंगे। आईपीओ मार्केट में एक लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के बाद आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, और चुन चुन के ऐसे स्टॉक्स जो कि हमारे एक्सपर्ट आपके लिए लेके आते हैं, वो सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगला एक घंटा काफ़ी दमदार, काफ़ी एक्शन वाला रह सकता है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट के ऊपर बात करते हैं, और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। और सबसे अच्छी या सबसे खास बात रवि सर की मुझे ये लगती है कि ये फंडामेंटल ज्ञान तो रखते ही हैं, फंडामेंटल नज़रिए तो इनके पास है ही है, एक दोधारी तलवार हैं ये, क्योंकि ये टेक्निकल भी बहुत बाखूबी समझते हैं। तो फंडामेंटल और टेक्निकल, यानी कि टेक्नो फंडा ये एक जो कॉल देते हैं वो बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है, और इसीलिए शायद हमारे जो दर्शक हैं, जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। सर, आज मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि दो तरफा ट्रेड देखने को मिल रहा है, ऊपर में हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, और नीचे जाता है तो वहाँ से बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। तो 22,430 नीचे और ऊपर में 22,523 ये रिकॉर्ड लेवल जो कि मार्केट ने छुआ है, इस रेंज में कारोबार हो रहा है। तो वीकेंड से पहले स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत स्वागत है आपका मनी लाइन पर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर संदीप जी बुलाने के लिए। और आज थोड़ी सी समस्या लोगों को फेस करनी पड़ सकती है, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, और इस चीज को आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन कुछ हमारे हाथ पे है नहीं। बिल्कुल। मार्केट की इस समय देखिए बात कर लूँ तो सबसे पहला नोट कर लीजिए कि करना क्या है। आज आपको एक पहला ऑप्शन ट्रेड देता हूँ, पहले उसकी शुरुआत करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड है और वही आपका फ्रेंड है। पहला इस समय चल रहा है 22,450 का कॉल 190 रुपीज का, आपको 190 रुपीज देख रहे हैं। जैसे ही ये 200 रुपए के ऊपर निकलता है, अभी 190 चल रहा है, 10 रुपए वेट करिए, 10 रुपए के ऊपर निकलते ही इसको करना है आपको बाय। अपसाइड टारगेट की अगर बात करें तो फिर आ जाएगा 255 रुपए का, और यहां पर स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा 170 रुपए का। तो ये स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं, बेहतरीन ट्रेड होगा और आपको बेहतर मुनाफा यहां पर दे पाएगा। तो ये सर जो कॉल आप लेने की बात कर रहे हैं ये अगले हफ्ते का है, वीकली है, या फिर मंथली लेने की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं जो बात कर रहा हूँ ये वीकली कॉल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और वीकली कॉल यहाँ पर लेना चाहिए। ठीक है, तो वीकली कॉल ऑप्शन आपको लेना है, क्योंकि
मार्केट में आज फिर से रिकॉर्ड हाई लगता हो दिखा है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई लेकिन लोअर लेवल से खरीदारी भी हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है 22,450 की कॉल के ऊपर जो कि 190 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। जैसे ही ये 200 रुपये का लेवल पार होता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलनी है। 255 रुपये ऊपर का टारगेट होगा आपका और 170 रुपये तक के जो स्टॉप लॉस के लेवल हैं वो आपको ज़रूर मेंटेन करके चलने हैं। तो बुलिश कॉल है यानी कि तेज़ी का व्यू आपको मार्केट में लेके चलना है, ये राय फिलहाल सामने आ रही है। कल आपने सर जेरम पॉवेल साहब के कमेंट्स सुने होंगे, फेड के चेयरमैन हैं, उसको आपने कैसे रीड किया है? और इंडियन मार्केट्स तो पहले ही शायद कल ही तेज़ी आ गई थी, मार्केट में लोअर लेवल से रिकवरी हो गई थी, क्या इसलिए हम ज़्यादा खुश नहीं हो रहे हैं आज? नहीं देखिए, मार्केट में अगर देखा जाए तो इस समय सेंटिमेंट कुछ डोमेस्टिक रीजंस की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ डोमेस्टिक रीजन, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सेबी और खास तौर से आपको मिड कैप और लार्ज कैप में स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टर डरे हुए हैं और इसी वजह से इन्वेस्टर यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी किसी भी यहाँ पर बच के रहें, स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग बड़ी आ जाए और हमें बड़ा नुकसान हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वजह से आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में ये थोड़ी ट्रेंड जो है वो फाइट यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अब अच्छी बात ये है कि इस समय जो ट्रेंड यहां पर देखने को मिल रहा है उसमें आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट की तरफ ध्यान रखें तो आपका बेहतरीन मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है। बाकी थोड़ा सा पेनफुल तो रहेगा मार्केट में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रखिए। और जहां तक फेड चेयरमैन की बात करें या फिर इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें, वो थोड़े से वीक होने के बाद वापस अच्छे होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, और जब आप कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना है तो चलिए हम भी स्टॉक्स की बात करते हैं। हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। नंबर नोट कर लीजिए पहले आप 9311121874, इस पर आप चाहें तो अपने व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, ये तो आप हमारा जो यूट्यूब पेज है उस पर लाइव चैट के जरिए अपने सवाल डिटेल में, कितने शेयर आपके पास हैं, कब आपने खरीदा है, कितना आप होल्ड कर सकते हैं, क्या व्यू है आपका, उसके साथ अपने नाम के साथ आप जरूर, क्योंकि आपने जिस भी नाम से अपना हैंडल बनाया होगा आप अपना नाम जरूर शेयर कीजिए ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ आपसे अच्छे तरीके से और उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप चाहें तो हमें फ़ोन लाइन के ज़रिए भी कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारे साथ विवेक सक्सेना जी ने अपना राय शेयर करी है। वो कह रहे हैं कि संदीप सर हर हर महादेव, कल शिवरात्रि का पर्व है सर, रवि सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए हमारे जो दर्शक हैं उनमें भी देखिए पूरा उत्साह है, कल मार्केट बंद है लेकिन उससे पहले आप देखिए शिव भक्तों में पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपका चैनल और आपका प्रोग्राम देखकर अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, बहुत धन्यवाद सर। मैं इनफैक्ट इनके जो कॉमेंट्स हैं, जो इनका पार्टिसिपेशन है शो में, लगातार देखने को मिलता है। हार्दिक पटेल इन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है, वो जानना चाहते हैं सर कि BRNL के बारे में बात करो सर, 69 पे 2000 शेयर लिए हैं सर, इसमें क्या करें? BRNL सर 69 रुपए का दाम है, 2000 क्वांटिटी है। देखिए मैं समझ रहा हूं कि इस समय BRNL पे बहुत से लोगों को जो है वो लोअर ग्रेड देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं से यहाँ पर थोड़ा सा एक डर भी पैदा हो रहा है कि क्या बहुत ज्यादा स्टॉक गिर जाएगा या कुछ ऐसा निगेटिविटी देखने को मिलेगी। सच बताऊं तो ऐसी कोई पैनिक यहाँ पर सिचुएशन नहीं है। मैंने पहले भी बताया है 65 से लेकर के 62 के बीच के जो स्टॉप लॉस है उनको मेंटेन करें, और हम ये एक सिंगल डे के लिए निवेश नहीं कर रहे, ये निवेश हमने किया हुआ है, एटलीस्ट हम इसको रखते हैं अभी इलेक्शन के बाद तक के लिए, क्योंकि नई सरकार जब फॉर्म होगी तो ये स्टॉक्स मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा। तब तक अभी गिरावट अगर आ सकती हो, चूंकि यहाँ पर नेगेटिव न्यूज जो आ रही है जिसकी वजह से स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर गिर रहे हैं, तो थोड़ा पैनिक जरूर हो रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो आपका लॉस में नहीं जाएगा, पोर्टफोलियो पे बने रहिए। पोजीशन के स्टॉप लॉस की बात करें तो 62 के आसपास तक थोड़ा और खरीदारी करा जा सकता है, वहां तक लेवल अभी आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उतना ही बड़ा रैली देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि BRNL पे अभी यहां पर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। सर BRNL से जुड़ा हुआ ही एक और स्टॉक है, इसी स्पेस का ही है, IRB इंफ्रा। यहाँ पे केशव नाम के हमारे दर्शक हैं, उन्होंने अपना सवाल पूछा है, कह रहे हैं कि बाइंग कर रखी है 60 रुपये पे, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहेगा? देखिए स्पेस को लेकर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, BRNL हुआ, IRB इंफ्रा हुआ। IRB इंफ्रा पे आपकी क्या राय होगी सर? इनके नंबर्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं टोल कलेक्शन के, पिछले एक दो महीने में अगर आप देखें तो इन्होंने 60 पे लिया है, आज 1.5% ऊपर भी है, 61.60 रुपये पे, होल्ड करें ये लंबी अवधि के लिए? देखिए संदीप जी 61.58 ये लेवल तो ऐसे हैं कि जिसको खरीद लीजिए, ये 90 रुपीज का दमखम रखता है, मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा आने वाले 3 वीक
बाद से आपको ये मोमेंटम दिखाई देगा। और ये जितने लेवल्स चल रहे हैं, ये लोअर लेवल्स चल रहे हैं, निगेटिविटी तो आपने देख ही ली है कि कितनी ज्यादा यहाँ पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही मौका है, जो लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो यहाँ पर जरूर बाय करने की कोशिश करें। मैंने लेवल बता दिया, 61, 62 से लेकर 58। अब कहाँ के नीचे नहीं जाने की उम्मीद है, वो है 52, 55 के नीचे तो ये स्टॉक आपको नजर ही नहीं आएगा। और अपसाइड कहाँ तक जा सकता है, इमीडिएट, अगर अभी बहुत से लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो सर 65, 62 के आसपास आते, 65 से 62 के बीच में रेजिस्टेंस दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन काटना नहीं है, लंबा रखो, बड़ा प्रॉफिट लो, छोटे मोटे के चक्कर में मत पड़ो। मल्टी बैगर बन सकता है, फिर बाद में दूसरों की कहानियां सुनेंगे कि वो मल्टी बैगर बन गया, हम तो नहीं, हमारा स्टॉक नहीं वो था। क्यों? क्योंकि आज आप छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओगे, लंबा रखो। तो लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है, आईआरबी इंफ्रा मल्टी बैगर साबित हो सकता है। आपको रेंज बता दी गई है कहाँ पे खरीदारी करनी है, 61-62 से लेके 58 तक आपको खरीदारी करनी है, और 52 से लेके 55 की ऐसी रेंज है जिसके नीचे नहीं जाएगा। ऊपर में पहला टारगेट जो ट्रेडर्स हैं जिनको जिनका एपेटाइट कम रहता है, छोटा रहता है, वो 65 पे चाहे तो बुक कर लें, लेकिन अगर आपका लंबा नज़रिया है थोड़ा सा आप पेशेंस रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो ये स्टॉक मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ऐसा हमें रवि जी बता रहे हैं। सूरज जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। सूरज जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे नमस्कार हैं? सर। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? सर मैं गोरखपुर से बात कर रहा हूँ। ओके, क्या हालचाल है आपके और आपका पोर्टफोलियो कैसा है? सर पोर्टफोलियो तो इसमें बढ़िया चल रहा है, बस एक कंपनी से आके फंस गया हूँ, एनएलसी इंडिया सर, इसी थोड़ा आप के अपना बारे में। वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कौन से स्टॉक की नाम बात कर रहे हैं। सर मैं एनएलसी इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। एनएलसी इंडिया, ठीक है। हाँ जी सर, ओके। एनएलसी इंडिया के मैंने 250 शेयर्स लिए हैं, 249 का इसका बाइंग रेट है अभी। सर 249 इसको पे मैं आपने लिया, लॉन्ग टर्म पे मैं होल्ड कर सकता हूँ, 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो आपने क्या मुझे इसमें होल्ड करना चाहिए कि या सर एग्जिट करना चाहिए, मेरा सर क्वेश्चन यही है। ठीक है, मेरे को सिर्फ इतना बताइए आपने कब खरीदे थे शेयर? सर 1.5 महीना हो गया सर। 1.5 महीना पहले आपने लिए थे और आप कह रहे हैं कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात हाँ है, जी आपका लंबा नज़रिया है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप थोड़ा टाइम पेशेंस और रखिए, 10 से 15 मिनट का इंतज़ार कीजिए, बजिंग सेगमेंट में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि ये शेयर, क्योंकि आज न्यूज़ फ्लो भी है, शायद इस वजह से स्टॉक में आज हमने गिरावट देखी है, तो उस न्यूज़ फ्लो के बारे में पूरा आपको डिटेल भी देंगे, क्या न्यूज़ फ्लो है, उसका इम्पैक्ट किस तरह से होगा, वो रवि सर से समझेंगे, और आपने जो शेयर ले रखे हैं 249 रुपये पे, आपके पास 250 क्वांटिटी है, उसका जवाब भी आपको देंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर, मैं आपका जो जवाब है आपको बजिंग सेगमेंट में रवि जी से दिलवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, जो और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें प्रखर जनरल स्टडीज़ के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि सर आई एम आदर्श सर, उस योर प्रोग्राम इज़ वेरी हेल्पफुल सर, आई हैव 345 शेयर्स ऑफ IOB बैंक ऑन 79 रुपीज़, अभी क्या करूँ, होल्ड और सेल? सर बैंकिंग स्टॉक्स को लेके, खासतौर पे जो PSU बैंक्स हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा रुझान है, वहाँ पे सवाल भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो IOB जिनके पास है उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास क्वांटिटी भी अच्छी खासी है और ये कह रहे हैं कि 79 रुपीज़ पे इन्होंने लिए हुए हैं। तो देखिए, ये स्टॉक अगर आपने लिया है तो आपको याद होगा कि ये मल्टी बैगर स्टॉक जब बना तो उससे पहली सीढ़ी में मनी9 के प्लेटफॉर्म पे इस स्टॉक को हमने रिकमेंड किया था। और अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि देखिए लोअर लेवल से जब ऐसे भागते हैं स्टॉक और फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो थोड़ा रुकते हैं, ये रुकने वाली स्टेज पे आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यहां पर खत्म होगा, चलेगा चलेगा कितना, ये 80 से 82 रुपए तक आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां पर दिखाई दे रही है। तो मौका क्या है कि थोड़ा धीरे धीरे अब चलने की बारी है, स्टॉक को देखिए रोज मत, नहीं तो पेन ज्यादा होते हैं। अभी इस स्टॉक पर बने रहिए, 80 से 88 रुपए के बीच के लेवल्स आपको आने वाले 3 वीक से 4 वीक में देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को होल्ड कर रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। रही बात एक्युमुलेशन करने की, अगर 2-1 रुपए का करेक्शन और आता है तो फिर थोड़ी फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। और जो नए इन्वेस्टर देख रहे हैं, मौका क्या छोड़ना, लेना है यहां पर। 1 साल का सर मैं इसका चार्ट देख रहा था, आपने मल्टी बैगर की बात करी, इसका अगर हम चार्ट दिखा पाएँ अगर हमारे PCR वाले, तो आप देखिए 18 रुपये या 20 रुपये के आसपास का दाम था, वहाँ से चलते चलते इस स्टॉक ने जो 52 वीक हाई टच किया है वह 83 रुपये 75 पैसे का है, यानी कि 4 गुना के आसपास का जो रिटर्न है स्टॉक ने 1 साल की अवधि में ही दिया है।
तो 21 रुपये वाला 20 रुपये वाला शेयर ये 80-85 रुपये तक टच करके आया है। तो अभी भी 1-2 रुपये नीचे अगर मिलता है, क्योंकि 66 रुपये का भाव है, तो आप चाहें तो सर नीचे में और इसमें ऐड भी कर सकते हैं, इसको आप होल्ड कीजिए और अपसाइड की गुंजाइश 80-82 रुपये तक की, जो कि इसका प्रीवियस हाई है, वहाँ तक ये स्टॉक अभी भी जाने का दमखम रखता है। हार्दिक पटेल हमारे एक दर्शक हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले विपिन जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है, काफ़ी टाइम से वो इंतजार कर रहे हैं। विपिन जी माफी चाहता हूँ, आप वेट कर रहे हैं, बताइए सर, नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। जी सर, बताइए कौन से शेयर के बारे में जानना चाहते हैं? सर, साउथ इंडियन बैंक के मैंने सर 135 शेयर ले रखे हैं, 33 पे एवरेज किया हुआ है। ठीक है, 6 महीने का नजरिया मैं जानना चाहता हूँ सर, इस रेट पे क्या और ऐड कर सकते हैं क्या? अच्छा, आपको पता है इसका राइट इशू खुला हुआ है? हाँ, राइट इशू खुला हुआ है, मुझे 100 शेयर लिए थे, 25 शेयर राइट इशू के मिले हुए हैं मुझे। 22 रुपए का रेट है उसका। 22 रुपए का, सर क्या उसको ऐड कर सकते हैं? तो आपका सवाल फ्रेश एंट्री का है या फिर राइट इशू को लेकर है कि 22 रुपए वाला राइट इशू आपको ऐड करना है नहीं करना है? वो भी ऐड करना और फ्रेश एंट्री भी करना चाहता हूँ इसमें, क्या सही टाइम है? अच्छा, जो राइट्स इशू में मिल रहे हैं उसके अलावा और भी ऐड करना चाहते हैं आप? और भी ऐड करना चाहते हैं, जितना आपके पास इंटाइटलमेंट आया उसके अलावा भी। जी, ठीक है। सर इनके पास साउथ इंडियन बैंक के शेयर हैं, राइट्स इशू खुला हुआ है 22 रुपए के दाम पर, पहले तो वो बताइए कि वो जो इंटाइटलमेंट आया है उसे एक्सरसाइज करें नहीं करें, और क्या ये फ्रेश भी ले सकते हैं, क्योंकि 1150 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाने वाला बैंक। देखिए, जो ये गिरावट अभी आई है ना स्टॉक में, 36 रुपए से गिर के थोड़ा ये आ गया, ये राइट इश्यू की वजह से ही आया हुआ है। और मैं ऐसा समझता हूं कि संदीप जी, इसका राइट इश्यू अगर आप राइट भी करते हैं तो भी आप बहुत प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं, जो आपने पहला बात बोली कि 6 महीने तक होल्ड करना है, सर 6 महीने तक छोड़िए, 3 महीने तक होल्ड करके देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक का मूवमेंट अब कहां जाने वाला है। रही बात लोअर साइड पे देखते हैं तो राइट इशू की वजह से थोड़ा करेक्शन आ रहा है, लेकिन इस करेक्शन को आप बिल्कुल फायदा उठाइए, कलेक्टिव यहाँ पर आप जो है स्टॉक लीजिए, और राइट इशू अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लंबा रखिए, लंबा लंबी रेस के घोड़े को आप छोटी रेस में दौड़ाएंगे तो शायद उतना कुछ फायदा नहीं देगा, लंबी रेस का है तो लंबी रेस के लिए इंतजार करें। 1 साल में सर 76% के आसपास ये चल चुका है, अभी जो गिरावट हुई उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, 30 रुपए के नीचे का जो लेवल अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, तो क्या लेवल्स आप लेके चल रहे हैं सर, जो 3 या 6 महीने होल्ड करेगा, कोई टारगेट देना चाहेंगे? बिल्कुल, वैसे मैंने इसका लॉन्ग टर्म टारगेट संदीप जी दिया हुआ है यहाँ पर 42 से 45 रुपए का, और शॉर्ट टर्म में तो ये जो 40-42 रुपए बीच बीच में आता रहता है वो है, और अगर आप इसका 3 से 5 साल के विजन के हिसाब से चलते हैं तो मुझे लगता है कि मल्टी बैगर ये भी बनेगा, जो अभी 30 रुपए देख रहे हैं ये बहुत जल्द 3 सालों के अंदर डबल हो जाएंगे। ओके, 45 रुपए का मतलब ये हुआ कि 30 वाला ये 50% के रिटर्न तो आपको 3 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर ही मिल जाएंगे, तो बढ़िया स्टॉक ये साबित हो सकता है। जिनके पास राइट इशू का इंटाइटलमेंट है उसको भी एक्सरसाइज करें, आप ओपन मार्केट से चाहें, क्योंकि राइट इशू की वजह से प्राइस एडजस्ट हो रहा है, वहां तक जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप यहां पे भी ले सकते हैं, आप थोड़ा सा नजरिया अगर लंबा रखेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हार्दिक पटेल इनका सवाल मैंने कहा था कि हम शामिल करेंगे, इन्होंने काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि शेयर किए हैं सर, और ये ज़्यादातर PSU स्पेस में ही है, एक इन्होंने नालको शेयर किया है, दूसरा है हुडको का, और तीसरा है RVNL, जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि आप बात करें सभी पे कहाँ पे एंट्री बनती है फिर से, क्योंकि करेक्ट हो रहे हैं सारे स्टॉक ऊपरी स्तरों से, यहाँ पे हमने देखा है कि करेक्शन देखने को मिला है, तो नालको, हुडको और RVNL में ये फ्रेश एंट्री का कौन सा लेवल है वो जानना चाहते हैं। देखिए, ये सारे स्टॉक्स जो है वो हमारी क्या कहते हैं बाइंग लिस्ट में रहे हैं, लेकिन मैं एक एक करके चलूं तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, नालको और हुडको में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा हमें नीचे के लेवल्स मिल जाए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो कम से कम आप 20-30% की खरीदारी तो आप करंट भाव जो सामने आ रहा है यहाँ पर कर सकते हैं, और इसको स्प्रेड कर लीजिए, 5% का मैक्सिमम डाउन साइड ले लीजिए, क्योंकि एक एक स्टॉक अगर बोलता हूँ तो टाइम बहुत लगेगा, शॉर्ट में छोटा सा बोलता हूँ जिससे कि सबको समझ में आ जाए। नीचे के 5% तक के लेवल पर 100% क्वांटिटी आपको बाय करनी है, करंट लेवल पर 30% और बाकी इन लेवल्स के बीच में वापस से एंट्री कर सकते हैं। मुझे लगता है लंबा अगर देखते हैं तो ये सारे स्टॉक्स आफ्टर इलेक्शन आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हुए नजर आएंगे, और आपका शेयर मार्केट पे नजरिया बदलते हुए नजर आएंगे। कितना बढ़ गए ये मत सोचिए, मास अभी यहां से कितना और अट्रैक्टिव है, कितना और बढ़ सकता है उसको देखिए।
ओके, तो तीनों स्टॉक्स के लिए आपके लिए राय ये है कि 20 से 30% तो आप अभी ले सकते हैं, और थोड़ा सा लंबा नजर रखिए, इलेक्शन के बाद हो सकता है कि इन स्टॉक्स में काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा, तो उसका वो व्यू आप लेके चलिए कि इलेक्शन के बाद किस तरह का अपमूव देखने को मिल सकता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर ऐड करें और हर गिरावट पर आप धीरे धीरे इनमें पोजिशन अपनी बना के चल सकते हैं, तीनों शेयरों की जहाँ तक बात है। वरुण गारमेंट होलसेल वाराणसी यूपी, इनकी ओर से सवाल आया है, सर जी नालको भारत नोट नेटवर्क क्या यहाँ पर बाय किया जा सकता है? सर इन दोनों स्टॉक्स की चर्चा हो चुकी है, नालको तो अभी रवि सर ने डिस्कस किया है और BRNL पहले हमारे एक दर्शक हैं स्टार्टिंग में ही उनका जो सवाल है वो हमने डिस्कस किया था, तो आपके दोनों जो क्वेश्चन हैं उनका जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं, हम चाहें तो वीडियो में पीछे जाकर अपना जो डिस्कशन है उसे देख कर आप अपना सवाल का जवाब ले सकते हैं। इसके अलावा सर NHPC ये एक और PSU स्टॉक है जहाँ पे बहुत सारे सवाल आते हैं, आज भी दीप भारद्वाज उन्होंने अपना सवाल पूछा है, सर मेरे पास NHPC के 200 शेयर 97 रुपये के प्राइस पे है, वो जानना चाहते हैं कि क्या करें, 3 महीने होल्ड कर सकता हूँ मैं, तो 97 पे लिया है सर, 91 रुपीज़ का अभी प्राइस है, 6 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है, हालाँकि उन्होंने बताया है कि 200 शेयर उनके पास हैं तो ठीक ठाक क्वांटिटी उनके पास है सर, 6 रुपये का लॉस हो रहा है NHPC में, क्या और ऐड कर सकते हैं, कोई स्टॉप लॉस देना चाहेंगे इनको? आपको संदीप जी बताओ, NHPC स्टॉक 85 और 88 के रेट पे, आप Money9 के ही प्रोग्राम को वापस कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, हर वीडियो पे मैंने NHPC की चर्चा की है, एक्युमुलेट करने को बोला है, आपने 91-96 पे लिया, कोई परेशानी नहीं है, इस समय स्टॉक 90 रुपीज के पास है, थोड़ा ले लीजिए, 88 आता है थोड़ा और ले लीजिए, मैक्सिमम क्वांटिटी 85 तक, वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं कि 85 के रेट आने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर आ जाते हैं तो मैक्सिमम क्वांटिटी वहां पर ले लीजिए, चलना कहाँ है, दौड़ कहाँ है, बार बार आपको एक ही लेवल बताता हूँ, 110 रुपया कितना परसेंट का रेशियो है, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक में क्या दमखम है, गिरेगा गिरने दीजिए, सही जगह पे एंट्री करते रहिए, प्रॉफिट बुक करना है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, स्टॉक से पूरी तरह से मत निकलिए, क्यों, क्योंकि आपको लंबा कमाना है, दूसरे का मल्टीबैगर स्टॉक थोड़ी देखना है, अपनी पोर्टफोलियो में जो मल्टीबैगर स्टॉक बनेंगे उनके ऊपर फोकस करना है, बने रहिए, एवरेज करिए, 85 तक एवरेज करिए, स्टॉप लॉस अगर आप लेना चाहते हैं तो 82 का ही, वहां पर स्टॉप लॉस कुछ ही नहीं, 82 के आसपास आता है स्टॉप लॉस वही है, लेकिन उससे पहले ही आपको लंबी रैली दिख जाएगी, अभी तक नहीं गिरा, अभी कुछ नहीं हुआ, इतनी निगेटिव खबरें आ गई, बस प्रॉफिट बुकिंग आई, तो फिर लेना है, लेना है, हर गिरावट पे लेना है NHPC का शेयर आपको, और 85 रुपये के नीचे नहीं जाएगा, ये रवि जी हमें कह रहे हैं 82 रुपये का, अगर आ भी जाए 85 रुपये का लेवल तो 82 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और स्टॉक में आप राइड कीजिए, इसे 110 तक के जो टारगेट पहले भी आपको बताए गए थे अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, तो अभी भी अब 110 रुपये का जो टारगेट है वो NHPC पे बनता है, कोई भी गिरावट आए तो आपको खरीदारी करके चलना है NHPC पे। संतोष शेख हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पे मौजूद हैं, सर नमस्कार, बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं? सर राजस्थान भिवाड़ी से बात कर रहा हूँ। ओके, मेरा सर NHPC का शेयर है सर, 650 शेयर और 93 के भाव पे है, तो और शॉर्ट टर्म के लिए है सर। सर आगे अगर आप सुन रहे हैं तो अभी NHPC का ही डिस्कशन चल भी रहा था, बस ये है कि जो दर्शक जिनका सवाल मैंने अभी लिया उनका जो एंट्री प्राइस था वो 97 रुपये था, आपका 4 रुपये नीचे है यानी कि 93 रुपये पे है। सर इनका भी अब राय तो वही रहेगी, लेकिन 93 रुपये का प्राइस है, इनके तो ज़्यादा पास है जो मौजूदा भाव है 91 रुपीज़ का, इनके लिए भी राय यही है कि और ऐड करें अगर इनके पास कैपेसिटी है तो? देखिए इस समय मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल यहां पर आपको ऐड करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात संदीप जी देखिए ये जो खरीदा है इन्होंने, मैं कहूंगा कि आप लोग जब सवाल पूछते हैं तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, और अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि आपने कब किसकी वजह से खरीदा होगा। और संदीप जी एक बार खास आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम में जो इन्होंने कॉल किया वो इसीलिए किया होगा कि उनकी आवाज भी हमारे प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक पहुंचे और खुशी मिलती है। जैसे मैं जब कभी ऐसा कॉलर शो होता था तो मैं भी अपने टाइम पे जब मैं स्टॉक्स देखता था तो जरूर ट्राई करता था कि मेरा भी कॉल लग जाए, मैं दोस्तों को शेयर करूं कि देखिए ये मेरी वॉइस है, मुझे लोगों ने सुना है, तो वो एक अलग खुशी होती है, वो एक अलग मजा होता है। देखिए स्टॉक मार्केट में मजा भी लेते रहना चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए, और NHPC तो चलेगा सर 110 रुपये।
110 रुपये बार बार टारगेट आ रहे हैं NHPC के 110 रुपये पे, ये आपको ध्यान में रखना है। सर वैसे तो डिस्कशन हो भी चुका था, आपके लिए भी राय यही है कि आप इसमें खरीदारी कीजिए और ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। बिरला सॉफ्ट को लेके सर मुझे याद नहीं है, आपको याद होगा कि आपने बिरला सॉफ्ट के ऊपर पहले एक राय दी थी और उसके ऊपर हमारे एक दर्शक हैं उन्होंने इस चीज़ को कोट किया है, वो स्वाति मोरे नाम की हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रही हैं हेलो सर आपने कहा था बिरला सॉफ्ट 750 रुपये पर आएगा तब इसके न्यू ट्रेंड का पता चलेगा, अब क्या करना है बता दें प्लीज़ बाइंग 856। यानी कि जो मुझे समझ आया शायद इन्होंने 856 पे ले रखा है क्योंकि उन्हें बाइंग उन्होंने बोला है कि इस 856 का लेवल है, 771 रुपये का भाव है सर, तो आपको ये लगता है फॉलो करती हैं, आपने पहले कहा था कि ये गिरकर वहाँ तक आएगा, अब वहाँ पर आ गया है तो अब क्या राय होगी इसमें, क्या अब ट्रेंड इमर्ज होना शुरू हो गया है इसमें नया कुछ? बिल्कुल इस समय संदीप जी आपने सही कहा और बिल्कुल मुझे रिकग्नाइज हो जाता है और मैं कुछ नंबर से खेलते खेलते बहुत से लोगों के नाम भी याद हो जाते हैं, पोजीशंस भी याद आती हैं, इसीलिए मैं पहले से कोट कर देता हूं कि ये शेयर कहां पर खरीदा किस दिन लिया होगा ये भी मुझे याद आ जाता है। और अभी चल रहा है 772 और मैम बिल्कुल सही, आपने यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद अब आ गया एवरेज करने का टाइम, कहाँ खरीदना है। 750 आपने लेवल लिखा है तो बिल्कुल उसके नीचे जब भी रेट जाता है क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी परचेज करते रहिए। रही बात 856 की 855 जो भी आपका रेट है, इन रेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको आने वाले एक महीने या ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के बाद ये आपको रेट दिखाई देंगे, इसलिए अब जो ये अंडरटोन है यहां पर खरीदना है और टारगेट इसका आप ये इमीडिएट टारगेट जो है वो 855 और 60 के पास आएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा और लंबा रखना चाहती हैं, थोड़ा इससे प्रॉफिट बढ़ाना चाहती हैं तो 880 के टारगेट आने वाले 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो स्वाति जी आपके लिए राय वही है जो पहले आपको बताया गया था, 750 रुपये के आसपास ये मिले या उसके नीचे जाए तो आपको धीरे धीरे इसमें पोजीशन अपनी ऐड करनी है, एक महीने से 45 दिन का आप समय दीजिए, 850 जो आपका लेवल है वहाँ पे भी आ जाएगा और थोड़ा समय और देंगी तो आपको 880 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, तो आपकी मौजूदा पोजीशन भी मुनाफे में आ जाएगी। अगर आप एवरेज कर लेती नीचे और ऐड कर लेती हैं तो फिर तो आपको और भी बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक बिरला सॉफ्ट की बात है। वैभव ग्लोबल इसको लेके हमारे एक दर्शक हैं मनीषा, उन्होंने अपना सवाल पूछा है सर, वो कह रही हैं कि वैभव ग्लोबल के बारे में मुझे जानना है, 20 शेयर ले रखे हैं 483 रुपये के भाव पर, ये स्टॉक वहाँ से गिरकर अब 423 रुपये के आसपास आ गया, यानी कि करीब 60 रुपये के आसपास का इनको लॉस हो रहा है। तो ज़्यादातर दर्शक ऐसे ही हैं सर, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप जैसे आपने शुरुआत में कहा भी था कि वहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है, सभी का एक जो हिदायत आई है खासतौर पे जो छोटे मझोले म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनको लेकर, तो उसके बाद जो करेक्शन आया है काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जो कि फंस गए हैं, शायद उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। तो पहले तो सर ये जो स्टॉक है इसको लेकर एक स्टॉप लॉस बता दीजिए और जो 60 रुपये का नुकसान हो रहा है क्या उसकी भरपाई हो जाएगी? देखिए वैभव ग्लोबल में वैसे देख रहा हूं तो मुझे संदीप जी थोड़ी नेगेटिव और लग रही है, और जैसे ही ये स्टॉक 412 या 410 के नीचे जाएगा, यानी यहां से 10 रुपए का स्टॉप लॉस मात्र लगाइए, अगर उसके नीचे जाता है मत बने रहिएगा, एग्जिट हो जाइएगा, कहां लेवल आएंगे 370 रुपए के लेवल आएंगे और उसके बाद 350 और पूरी तरह से डाउन टेरिटरी पे चला जाएगा, फंडामेंटल्स अभी यहां पर जो है वो हिलते हुए नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 410 रुपए का एक स्टॉप लॉस मैक्सिमम लेकर चलिए, उसके नीचे जाता है स्टॉक काट दीजिए, अब काट देंगे तो हो जाएगा आपको, अभी तो 60 रुपए का लॉस है बन जाएगा 70 रुपए का लॉस, कोई टेंशन नहीं है, 70 रुपए का लॉस रिकवर करने के लिए चुन चुन के आज भी जो प्रोग्राम है उसमें मैं स्टॉक देने वाला हूं, लेकिन तब तक वेट नहीं करना है तो थोड़ा सा NHPC करंट लेवल पर ले लीजिए और जब जब सौदा काटिए तब चाहे तो ले लीजिए, या अभी लेना है तो अभी भी आप यहाँ पर थोड़े पोजीशन कम करके स्विच कर सकती हैं और बाकी जिन जिन के स्टॉक का इंतजार करिए, जल्दी बढ़िया आज रॉकेट वाले स्टॉक देने वाला हूँ। तो रॉकेट शेयर आने वाला है चुन चुन के में, उस बीच वैभव ग्लोबल अगर आपके पास है तो आपका स्टॉप लॉस का लेवल बनता है 412-410 का, इस लेवल के आसपास आ जाए या नीचे चला जाए तो आपको अपना सौदा काट लेना है क्योंकि ये 370 तक भी गिर सकता है, तो आपको पहले ही 60 रुपये का लॉस हो रहा है, यहाँ से और नीचे गिर जाएगा ऐसी स्थिति ना आ जाए आपके साथ, इसलिए स्टॉप लॉस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। NHPC चाहे तो अभी ले लीजिए या तो फिर एक जो रॉकेट शेयर आने वाला है आपके लिए चुन चुन के में उसको आप चाहें तो खरीदारी करके अपना जो
लॉस हुआ है आपका अभी तक इस सौदे में, अगर आप यहाँ पे भी काट लेती हैं तो आप उसकी भरपाई उस शेयर के जरिए कर सकते हैं। थोड़े इंतजार के बाद वो भी आपके सामने आ जाएगा। इस बीच हमारे एक और दर्शक हैं, महिला दर्शक हैं, कंचन कुमारी, क्योंकि वुमेंस डे भी आ रहा है तो महिलाओं की जो भागीदारी है सर हमारे शो में काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि बढ़ती जा रही है। स्वाति जी हैं, एक कंचन कुमारी जी ने सवाल पूछा है, उससे पहले भी एक हमारी महिला दर्शक हैं जो कि हमारे साथ लगातार जुड़ती हैं, उनका भी सवाल लगातार आता है। कंचन कुमारी पूछ रही हैं, नमस्कार सर, ONGC एंड टाटा पावर में होल्ड करूं या सेल करूं, यानी कि ये दोनों शेयर होल्ड कर रही हैं, हालांकि इन्होंने लेवल्स नहीं बताए कि किन लेवल पे इन्होंने लिए हैं, लेकिन ONGC और टाटा पावर दोनों के बारे में जानना चाहती हैं। ONGC हाल फिलहाल इसने 285 रुपये के आसपास का 52 वीक हाई लगाया, अभी 280 के आसपास ही है, तो शायद ये प्रॉफिट बुक करने की सोच रही है, इन्होंने लोअर लेवल्स पे लिया होगा। पहले ONGC के बारे में बताएं सर। देखिए, जिन लोगों ने Money9 को फॉलो किया है, और आप पीछे, मैं तो हमेशा कहता हूँ आपके Money9 की ऐप खोलिए या फिर आप इनका यूट्यूब देखिए, वहां पर मेरी शक्ल ऐसे करके आ रही होगी, आप देखिए उसमें NHPC का नाम भी लिखा हुआ होगा, वहां पर जाके देखेंगी ONGC, NHPC, IRFC, इन सबके स्टॉक्स की रिकमेंडेशन है। कब रिकमेंड किया था? 220, याद आया आप लोगों को? अगर याद आया तो प्लीज कमेंट करिए। अब कहां जाएगा, इस समय चल रहा है 280 रुपए, अरे अभी तो चलना शुरू हुआ, पार्टी भी चलनी शुरू हुई है, 350 से पहले मैं तो नहीं काटने की राय दूंगा। हाँ, प्रॉफिट बुक करना है, कुछ और खरीदारी करनी है, कुछ किचन का सामान लेना है तो गृहणियों के लिए तो जरूरी है, तो बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा बुक कर लीजिए, लेकिन 270 और 265 के बीच फिर चढ़ जाइए, वापस बुलाइए, सामान ले लिया मैंने, फिर वापस आ गया पैसा, फिर ले लीजिए, और यही करते रहिए, 350 आएगा उसके बाद सोचेंगे अब क्या करना। ठीक है, 350 तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में आ सकते हैं। सर टाटा पावर के बारे में बता दीजिए। देखिए, अब एक और पावर ऐसा जिसका कि पावर ही पावर अभी जनरेट हो रहा है, थोड़ा करेक्शन आया है और ये अच्छी बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। अब टाटा पावर में अभी देखिए कंसोलिडेशन रहेगा, लेकिन इसके एवज में मुझे दो स्टॉक और अच्छे लग रहे हैं जो कि इस समय चल रहे हैं आपके, और मैं इनको चुन चुन के स्टॉक में भी देने वाला हूं, लेकिन मैं फिर भी टाटा पावर की बात करूं तो मैं इसको काटूंगा नहीं, रखूंगा। 424 रुपए आ गया, कब दिया था फिर याद दिलाता हूं, फिर वही वाली आपको फोटो देखनी है, कहां पर प्रोग्राम था, 350 रुपए, 380 रुपए रिसेंट बाय अभी मैंने दिया था कुछ पीछे प्रोग्राम में, 425 चल रहा है, क्या टारगेट दिया 480, उससे पहले थोड़ी हिलना है, 480 आने दीजिए फिर देखेंगे। और मैम, इस बार शॉपिंग के लिए कुछ अच्छा सा खरीदने की सोचिए, 480 आता है तो वुमेंस डे का गिफ्ट आपके लिए आ जाएगा। इस शेयर को आप 480 रुपए तक होल्ड कीजिए, अपने लिए खुद के लिए गिफ्ट ले लीजिए, खुद मनाइए, और टाटा पावर को होल्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि बेचना नहीं है, 480 तक जब तक नहीं आ जाएगा, आपको नीचे 350 रुपये के आसपास रेकमेंड किया था, 380 के आसपास भी बताया गया था, तो वहां से अच्छे खासा प्रॉफिट है, क्योंकि आज आप देखिए 7.5% के आसपास का अपमूव स्टॉक में देखने को मिल रहा है, 425 का लेवल है, आज 30 रुपये की जो तेज़ी है स्टॉक में देखने को मिली है, आज इसने 400 का लेवल फिर से पार किया है, तो उस लिहाज से अभी भी इसे बेचना नहीं है। इस तेज़ी को देख के अपना प्रॉफिट मत बुक कीजिए, आप इसमें बने रहिए, 480 का इसमें टारगेट आ सकता है। सर जिनको रखना है, जिनको होल्ड करने की आप राय दे रहे हैं, फिर उसका स्टॉप लॉस क्या होगा? फिर देखिए, प्रॉफिट ये है तो प्रॉफिट में स्टॉप लॉस, अब 420 चल रहा है, 480 तक जाना है, यानी कि यहां से कम हमें 60 रुपए की रैली, लगभग 55 से 60 रुपए की रैली जाना है, तो 15 रुपए का स्टॉप लॉस लिया जा सकता है पोजिशनल बेसिस पे, यानी कि 405 रुपए या 410, 405 से 410 रुपए का स्टॉप लॉस आपका टाटा पावर का होना चाहिए। 480 का लेवल आप जरूर याद रखिए, 480 वो लेवल है जहां तक स्टॉक जा सकता है, वहां पे जाकर आपको अपना मुनाफा बुक करना है। शिव कुमार जी इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शिव कुमार जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, कहां से बात कर रहे हैं सर? सर मैं करनाल से बात कर रहा हूँ सर, मैं और यहाँ गुजरात में जॉब करता हूँ मुंद्रा में। ओके, किस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं सर? सर ये NBCC का शेयर, मैंने 242 शेयर ले रखे हैं और 86 रुपए पे ले रखे हैं मैंने। 86 रुपए पे आप NBCC के बारे में बोल रहे हैं ना? ठीक है, 86 रुपए पे आपने ले रखे हैं 242 शेयर, ठीक है, कितना होल्ड कर सकते हैं? मैं 2 साल के लिए सोच रहा हूँ सर मैं। अच्छा, मतलब आपने जब खरीदा था कितना टाइम हो गया लिए हुए आपको? मेरे को सर अभी 2 महीने करीब हुआ सर मेरे को अभी लिए। 2 महीने हुए और अच्छे खासे प्रॉफिट पे आप बैठे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने जब खरीदा था तो 2 साल के नजरिए के साथ खरीदा था, राइट? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, तो फिर दुविधा कहाँ है सर? यही था कि ये पूछना था, इसको होल्ड करूँ या इसमें से निकल के किसी दूसरे शेयर में लगाऊं पैसा? क्योंकि मुनाफा बन रहा है तो क्या इसे बुक कर लेना चाहिए, ये आपके मन में दुविधा है, राइट?
हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक है सर, आपके जो मन में शंका है, जो सवाल है, उसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। सर 86 पे लिया है एनबीसीसी का शेयर। पीछे हमने देखा है कि कुछ अच्छी खबरें जो आई हैं इसमें लगातार ऊपरी सर्किट लगते हुए देखे हैं 5-5% के। 128 रुपये पे आ गया, 86 रुपये का लिया हुआ। 2 साल का नज़रिया है इनका, इन्होंने जब खरीदा था तो ये सोच के लिया था कि मैं 2 साल होल्ड करूंगा, लेकिन अब मन में थोड़ा सा लालच आ रहा है देख के, क्या इन्हें प्रॉफिट ले लेना चाहिए? देखिए, जो लालच है उसको हमेशा जो है वो बढ़िया होता है, और लालच नहीं रखेंगे तो किसी चीज में ग्रोथ नहीं होती। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहूंगा। आज का ये शो संदीप जी स्पेशल कर रहे हैं क्योंकि विपुल जी की तबीयत ठीक नहीं है, और संदीप जी ने जब मुझे फोन किया तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है जब संदीप जी के साथ शो करता हूँ, क्योंकि मुझे जब इनके साथ बात करता हूँ ना तो गूगल वाली फीलिंग आती है। अब क्यों मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। एनबीसीसी की चर्चा आई, आपके सामने एक मौका आया और मुझे एक न्यूज याद आई। एनबीसीसी की न्यूज आप सर्च करिएगा, नहीं तो ये गूगल बाबा बैठे हुए ये बताएंगे। 128 रुपए इस समय प्राइस चल रहा है और ये एक मल्टीबैगर स्टॉक फिर से दौड़ने वाला है। क्यों दौड़ने वाला है? भेल और कई MTNL, BSNL, इन सब की प्रॉपर्टीज को ये अब रीबिल्ड कर रहे हैं, और इसका पूरा जो जमीन का एरिया है वो है 1,00,000 एकड़ का, और उसपे ये जब उसको बिल्ड कर रहे हैं उसपे रेंटल इनकम ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बहुत जमीनें उनके पास हैं। उसका कॉन्ट्रैक्ट एनबीसीसी को मिला है, ऊपर से गिरा पड़ा है, लोगों को पहचान नहीं है, यहां पर दौड़ने की कवायद में अभी वो सारी चीजें चल रही हैं। तो फंडामेंटल फैक्टर तो जबरदस्त स्ट्रांग, स्टॉक ने दम भी दिखा दिया, इस वजह से लोग आज बहुत ज्यादा देख नहीं रहे। अब कहां जाएगा? 128 रुपए से लेकर 110 रुपए के बीच में बनते हैं टेक्निकल ब्रेकआउट्स। इन लेवल्स पर करिए एक्युमुलेट। टारगेट 180 और 220, नोट करके रख लीजिए 180 220। फ्रेश बाय कॉल है, आप चाहे तो चुन चुन के स्टॉक का आप समझिए, मैंने चुन चुन के स्टॉक में इसको नहीं दिया, सॉरी मैं मिस कर गया, लेकिन अगर आपकी टीम इसको ऐड कर देगी तो चुन चुन के स्टॉक में इसको जरूर ऐड करिए। 128 से 120 110 तक बाय करिए। टारगेट होगा पहला 180 का, दूसरा टारगेट होगा 220 का। समय दीजिए, डिलीवरी कॉल है, बाय करके छोड़ दीजिए। बच्चे भी कहेंगे वाह मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने, मेरे चाचा ने, मेरे ताऊ ने मस्त स्टॉक लिया था, आज बढ़िया फॉर्चुनर खरीद रहा हूं, वही वाला हाल होगा। तो मुझे लगता है लेके रखिए, छोड़िए नहीं, मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा और फंडामेंटल के साथ टेक्निकल ब्रेकआउट। अब आती स्टॉप लॉस की बात, आना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 95 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर लेंगे, लेकिन उसके लिए लंबी रेस का घोड़ा भी चलिए ठीक है, लंबी रेस का घोड़ा है ये एनबीसीसी। शिव कुमार जी, आपके लिए तो राय ये है कि आप इसमें बने रहिए, आगे और भी अच्छे टारगेट्स आ जाएंगे। 180 पहला टारगेट है, 220 रुपए तक भी ये स्टॉक जा सकता है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 95 रुपए का, इसको होल्ड कीजिए। आप चाहें अगर आपके पास क्षमता है तो आप इसमें और भी पोजीशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहां से तो अभी ब्रेकआउट शुरू हुआ है स्टॉक में। 110 से 128 की जो रेंज है इसमें आप चाहें तो और भी एक्युमुलेट करके चल सकते हैं, हर गिरावट में इसमें आप ऐड कर सकते हैं अपनी पोजीशन।